बंदायू के दातागंज में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मतदान से 3 दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी सत्य शेखर भाजपा में शामिल हो गए। सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनको भाजपा में शामिल कराया। सत्य शेखर ने भाजपा प्रत्याशी नैना गुप्ता को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को दातागंज नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। इस दौरान दातागंज से कांग्रेस प्रत्याशी सत्य शेखर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। सत्य शेखर के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह ने आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशी को लगातार धमकी मिल रही थी कि वो बैठ जाएं, जिसके बाद वो चुनाव से पीछे हट गए थे। ऐसे में कांग्रेस ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। यूपी से गुंडों का राज पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। यूपी बसपा कांग्रेस खुद का साथ खुद का विकास करना जानती है, लेकिन भाजपा है तो स्वच्छता के साथ साथ रोजगार, विकास, व्यापार की भी गारंटी है।